अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ, सीज योर होम लोन फ्रॉम एमसीएलआर टू रेपो रेट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने जो लोन लिया हुआ है 2016 से 2019 के बीच में, वो बेंचमार्क था एमसीएलआर, तो उन जो एमसीएलआर पे लोन चल रहा था उन लोन्स को आप रेपो रेट पे स्विच ओवर कर सकते हैं। तो स्विच ओवर इन देंस कि कन्वर्जन कन्वर्जन उसका अपना बेंचमार्क उसको रेपो रेट करवा सकते हैं। चलिए हम समझते हैं कि इंडिया में बेंचमार्क सिस्टम ऑफ प्राइसिंग होम लोन क्या रहा है। अगर हम 1994 को देखते हैं तो पहले सबसे पहले प्राइम लेंडिंग रेट आया, जिसको पीएलआर भी बोलते हैं। उसके बाद 2003 में बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट मतलब बीपीएलआर, एंड उसके बाद 7 सालों के बाद उसको चेंज करते हुए आरबीआई ने इसको बेस रेट में सारे लोन्स को और ले आया। बेस रेट से लगभग 6 साल चला बेस रेट, और उसके बाद 2016 में आरबीआई ने बैंकों को बोला कि आप एमसीएलआर मतलब मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट पे आप लोन देना शुरू करो। मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट मतलब बैंक अपना लेंडिंग रेट जिसपे बैंक लोन देता है उसको मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट बोलते हैं। उसके बाद 2019 में जब आरबीआई ने देखा कि कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन नहीं कर रहे हैं बैंक, तो उसने डिसाइड किया कि एमसीएलआर को हटाओ और ईबीएलआर को लाओ। ईबीएलआर मींस इसका बेंचमार्क मींस इसको रेपो रेट से इसको कनेक्ट किया। तो अब वॉट एवर जो भी चेंजिंग रेपो रेट में होता है, आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है उसमें अपने आप चेंज हो जाता है। अब चलिए समझते हैं कि एमसीएलआर से रेपो रेट मतलब ईबीएलआर में क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों कर रहे हैं हम इसको, और इसकी जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है तो क्या मुझे कितना फायदा होगा, ये सारा कुछ मैं इस टॉपिक में समझते हैं। एमसीएलआर ये आपका बेंचमार्क, आपको सारे बैंक जो है इसको डिसाइड करते थे और इनका इंटरनल असेसमेंट होता था, उसके बेस पे एमसीएलआर का रेट आता था। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि हाँ, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका अपना ओन फाइनेंशियल कंडीशन पे एमसीएलआर में आपका एमसीएलआर का रेट डिसाइड होता था। बैंक जनरली प्रोवाइड लोन विद सम मार्जिन मतलब एमसीएलआर, सपोज आपका एमसीएलआर बैंक ने अपना इंटरनल असेसमेंट किया और एमसीएलआर आपका बोला कि 7% है, इस पे बैंक अपना स्प्रेड जोड़ता था, स्प्रेड मतलब मार्जिन मार्जिन अपना जोड़ता था। वो 5 बेसिस पॉइंट से लेके 5 बेसिस पॉइंट से बेसिस पॉइंट से लेके मान के चलिए 70 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट तक इसको बैंक ऐड कर सकता है। तो ये आपका रेट मान लीजिए सपोज 50 बेसिस पॉइंट जोड़ा तो आपका रेट 7.5 मतलब आपको जो रेट मिलता था वो 7.5 मिला। एमसीएलआर चेंज जो जाता था इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप जो होम लोन लेते हो एमसीएलआर में जो 2016 में एमसीएलआर आरबीआई ने लाया था, तो उस समय से आज तक मान के चलिए 2016 से 2019 तक जिसने भी होम लोन लिया है उसका जो बेंचमार्क था एमसीएलआर था। तो एमसीएलआर में जो इंटरेस्ट रेट था वो आपका 1 साल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज इन 1 ईयर मतलब 1 साल तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है। मतलब आप अगर 2000 अप्रैल 2016 में लोन लिए तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा वो अप्रैल 2017 में जाकर चेंज होगा। इस बीच अगर कोई भी चेंजिंग हुआ, एनी चेंजिंग ठीक है इन आरओआई, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज आरओआई चेंज नहीं होगा। मींस एमसीएलआर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के बाद ही चेंज होगा। अब आइए कि आरबीआई को लगा कि एमसीएलआर में कस्टमर को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसने एक नया आपका बेंचमार्क लाया और उसको ईबीआर मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट लाया,
और एक्सटर्नल बेंच मार्क रेट रेपो रेट से उसको कनेक्ट किया। मीन्स आरबीआई की बाय मंथली मीटिंग होती है, बाय मंथली मीटिंग में अगर रेपो रेट में कोई चेंजिंग आया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। सो रेपो रेट लिंक जो आपका जो रेपो रेट है लिंक्ड ईबीएलआर इज, ये आपका ईबीएलआर होम लोन जो नए कस्टमर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। जो 2019 के बाद जिन्होंने लोन लिए हैं वो उनका जो बेंचमार्क है वो ईबीएलआर ही है। ईबीएलआर का जो प्रीम जो कॉस्टिंग है वो ईबीएलआर मतलब आपका जो रेपो रेट प्लस स्पेड उसके ऊपर क्रेडिट प्रीमियम, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रेट आपका बनता है वो ईबीएलआर बनता है। अभी जो करंट में अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई, अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट है वो आपका रेपो रेट अभी की डेट में 4% है और आपका स्प्रेड जो है वो लगभग 2.65% आपका है, तो ये टोटल हो जाता है 6.65। इसपे जो रिस्क प्रीमियम है क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जो है वो आपका सीआरपी है आपका 0.05 to 0.50 इसके बीच में, तो 0.05 30 लाख तक लोन के लिए आपका 0.6.70 का इफेक्टिव रेट आता है आपका फॉर 30 लाख लोन। तो इसमें बेनिफिट आपका यही है कि आपको ये मोर ट्रांसपेरेंट है एमसीएलआर, क्योंकि एमसीएलआर में आपका इंटरनल असेसमेंट करके आपका रेट डिसाइड करते थे, आपका ईबीएलआर में आपको ये रेपो रेट के थ्रू कनेक्ट हो गया है, तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही रेपो रेट चेंज होता है वो आपको पता चल जाता है, या तो सोशल मीडिया में फैलता है या न्यूज से चलता है, ये आपको हर जगह आपको न्यूज मिल जाता है कि रेपो रेट चेंज हो गया। नाउ रेपो रेट लोन विल चेंज मींस आपका जो यहाँ पे एक साल में होता था यहाँ पे क्वार्टरली होगा, मतलब अगर आपका लोन अप्रैल 20 में अगर 21 में अगर डिसबर्स हुआ है तो आपका 1 जुलाई अगर रेपो रेट में चेंज होता है तो आपका 1 जुलाई 2021 में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, मीन्स क्वार्टरली हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्वार्टरली चेंज होगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बैंक सिस्टम खुद ही करेगा स्विच ओवर चार्जेस फ्रॉम एमसीएलआर। ये एक थोड़ा सा आपका है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्विच ओवर चार्जेस क्या है। स्विच ओवर चार्जेस जो एसबीआई के हैं जनरली वो है 5000 प्लस जीएसटी, मतलब 5900 रुपया दे के आप एमसीएलआर से ईबीएलआर में कन्वर्ट हो सकते हो। सो आपके पास ये ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं करना होता, एक फॉर्म भरना होता है और आप जाकर बैंक में जाके आप उनसे डिस्कस कीजिए कि आपका एमसीएलआर में क्या चल रहा है और ईबीएलआर में आप ट्रांसफर करना चाहते हो इसको तो क्या आपको रेट देंगे, आप वहां पे कैलकुलेशन कर सकते हो। मेरा सजेशन होगा कि अगर डिफरेंसेस अगर 50 बेसिस या 30, 40, 50 बेसिस जो भी डिफरेंस होता है कैलकुलेट कीजिए। अगर आप 50,000 बचा रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, 5900 देके भी आप एक अमाउंट बचा सकते हो। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आप एक नॉर्मल कि आप क्या सेविंग कर सकते हो फ्रॉम एमसीएलआर टू रेपो रेट में ईबीएलआर में। तो अब आपको बताते हैं कि हाँ, सो अब देखते हैं कि हम लोग एक एक मैं एमसीएलआर में ले आऊं कि एक लोन अगर 20 लाख रुपए का लोन, कितना है 20 लाख रुपए का लोन अगर हम 15 साल के लिए लिए थे, सपोज हमने ये लोन 2016 में लिया, सपोज ये लोन हमने 2016 में लिया और उसमें लिया था हमने 20 लाख 15 साल के लिए, तो आज क्या हो गया 2021 में क्या हो गया, 2021 में आपका 5 साल निकल गया, तो अब बचा है 10 ईयर्स के लिए आपका लोन बचता है। ओके, तो अब आपका जो लोन और रनिंग है 2021 में कितना बच रहा है 15 लाख रुपया। अगर एमसीएलआर में मान के चलिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो आपका ईएमआई जो 20 लाख पे निकला था 19,113 रुपया है, ये ईएमआई आप पे कर रहे हो, कितने साल के लिए पे करोगे आप, अभी 10 साल के लोगे। यही आप आ जाइए ईबीएलआर में जो रेपो रेट में लोन अमाउंट कितना था 15 लाख रुपया, कब था ये आपको, ये भी आपका 2016 में कितना था रेट आपका 2016 बोला 2000 सपोज
अगर नहीं, अभी आप अगर इसको अभी आप इसको कन्वर्ट करते हो MCLR से, तो ये आप मानिए 2021 में इसको कन्वर्जन कराते हो और ये 10 साल के लिए फर्दर चलाते हो, जो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे बचा हुआ है 10 साल, 10 साल रिमेनिंग टेन्योर, यहाँ पे रिमेनिंग टेन्योर आप 10 साल ही रखते हो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर कर रहा है बैंक, तो 6.90 का आपको रेट ऑफ आंसर, एक हाइपोथेटिकल मैं लिया 6.90 आपको बैंक ऑफर करता है। तो आपका ईएमआई कितना आता है, 17,340 रुपया। तो डिफरेंस देखिए, 19,113 रुपया आपको यहाँ देना पड़ रहा था, यहाँ आपको कितना देना पड़ेगा, 17,340 रुपया। तो पर मंथ जो आपकी सेविंग कितना हो रहा है, पर मंथ की सेविंग आपकी 1,773 रुपया का सेविंग आपको पड़ रहा है। वो कितने टेन्योर के लिए आपका होगा, 120 मंथ के लिए आपको, अगर सेम सपोज रहता है सब कुछ, तो 120 मंथ में आपको कितना पे करेंगे बैंक को, सॉरी कितना आप सेव कर रहे हैं, 2,12,760 रुपया आप सेव कर रहे हैं। कितना आपको देना पड़ रहा है, जो आप चार्जेस कितना देख रहे हैं बैंक को स्विच ओवर के लिए, जो कन्वर्जन चार्जेज है वो 5,900 पे करेंगे आप। 5,900 कन्वर्जन चार्जेज है और आप सेव कितना कर रहे हैं, 2,12,760 रुपया। तो ये डेफिनेटली एक फायदे का सौदा है। प्लीज बैंक जाइए, अपने लोन को चेक कीजिए, अगर MCLR में है किस रेट पे अभी चल रहा है, और अगर आप बैंक से बात कीजिए, उनको फॉर्म भर के दीजिए, और सेम डे ही बैंक ऑफिसर आपका ये चेंज कर देंगे। ये आपको फायदा क्या होगा कि आपको एटलीस्ट 2 लाख, 1.5 लाख, व्हाट एवर जो भी फायदा होता है उसका बेनिफिट उठाइए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और भी आपको कुछ और सजेशन चाहिए, मेरा मेल आईडी आपका मेंशन है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर कुछ से लगता है कि और आपको कुछ और कोई नेक्स्ट आपको कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं कोई स्लाइड के, हाँ उस स्लाइड पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई टॉपिक पे, तो आप मुझे वो टॉपिक आप मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन टॉपिक्स को अपने नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूँ। अगर ये आपको चैनल मेरा आपको कंटेंट सही लगा हो, और अगर आपको लगता है कि मैं जो आपको बता पा रहा हूँ वो सही है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।